एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, अनिश सेवन ने फिर से एक बार मेरा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं अपना घर में हूँ, मगर मेरा यहाँ पर आज लास्ट डे, क्योंकि मुझे कल आपका अपना ड्यूटी में वापस लौटना है। तो इसी के चलते आज अपना घर में रह के अपना घर का जो भी घर का एक खेत में आके आप लोगों को बहुत सारा चीज़ दिखाने का हम कोशिश करेंगे, और यहाँ से बहुत सारा जगह में हम ले जाएंगे आप लोगों को और आप लोगों को दिखाएंगे। तो लास्ट डे में मैं अपना पूरा का पूरा जो भी रिमेम्बरेंस है वो सब समेट के हम ले जाएंगे अपना ड्यूटी की तरफ, और वही रिमेम्बरेंस को याद करके अपना ड्यूटी हम करेंगे। तो अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का जो भी व्यू है आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम यहाँ, अभी मैं घर का खेत में हूँ, उसके बाद में अभी गाँव का भी आपको टूर कराएंगे हम। तो अभी आप लोगों को हम मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए, अभी मेरा घर में खेती में अभी यहाँ पर देखिए, ये जो है मकई अभी रेडी हो रहा है। मकई अभी उतना रेडी तो नहीं हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग हम एक चीज़ दिखा देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आप लोग देख रहे हैं, ये जो मकई के सामने नीचे, ये आपका अदरक आदि का खेती है, और यहाँ पर आदि की खेती भी हम लोग करते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को ले जाएंगे, अभी अंदर अंदर ले जाएंगे। देखिए, मकई तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से हो रहा है यहाँ पर। और ये जो साग देख रहे हैं, ये आपका लाली साग है। और उसके बाद में अभी हम आप लोग ले जाएंगे यहाँ पर जो भी कुछ आप लोग हम आज घुमाएंगे। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये घर आपका मेरा छोटे पापा का घर है, बांगा बोला जाता है। उसके बाद में वहाँ पर भी बांगा घर है, और ऊपर आप लोग देख रहे हैं, ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं बहुत कम देख रहे हैं, वहाँ पर मेरा घर है। और उसे तो आप लोगों को भी घर पे आप लोगों को दिखाया था मैंने, मगर उतना क्लियरली नहीं दिखाया था, बाकी दूर से आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, इस तरह का हमारा गांव का घर इस तरह का है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हवा आ रहा है और झूल रहा है, हर एक पत्ता वत्ता झूल रहा है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत मौसम थोड़ा क्लियर है, इसलिए आप लोगों को दिखाने का मौका मिल रहा है। और ये आपका आदि का खेती, और यहाँ देखिए आप नीचे का व्यू, और साइड में इस साइड का व्यू आप लोग देख रहे हैं। फिर से देखिए, मौसम खराब होने वाला है, वहां सामने से आप लोगों को दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा धुंध इधर ही आ रहा है। आप लोगों को हम बोले थे कि यहाँ का वेदर का भरोसा ही नहीं होता है, कभी कभी ठीक होता है, कभी क्लियर होता है, तो कभी आप लोग देख रहे हैं। अभी हम इस साइड में जाएंगे और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ दिखाएंगे। ये रास्ता भी आप लोगों को हम पहले एक बार दिखाए थे, ये रास्ता से हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा नीचे रोड निकलता है, और रोड में जहाँ से हम लोग गाड़ी हम पकड़ना पड़ता है वहाँ पर आ जाएगा रोड, और आप लोगों को हम दिखाएंगे। देखिए, हवा एकदम मस्त बह रहा है, बढ़िया है मतलब हवा। तो हम भी मतलब कि अभी आज मतलब कि अब बहुत ही महीने बाद में फिर से अपना गांव आना है, तो इसीलिए आज अपना गांव में घूम के अपना हर एक रिमेम्बरेंस को समेट के हम ले जाना चाहेंगे अपना ड्यूटी के। और तो अभी आप लोगों से ही कुछ बातें कर रहे हैं, बहुत सारा समय आप लोगों को हम बहुत सारा कुछ दिखाए, बहुत सारा जगह हम घुमाए, खरसान का घुमाए, मगर आज आपका लास्ट डे में आप लोगों को अपना गाँव घुमाने का इच्छा हुआ, इसीलिए हम आप लोगों को घुमा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारा ऐसा चीज़ आप लोगों को, जो भी चीज़ यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ है यहाँ पर, मतलब कि इनऑर्गेनिक बहुत चीज़ होता है नहीं है, जैसे कि खेती आप लोगों ने अभी दिखाए थे, और वहाँ पर भी आप लोगों को ऑर्गेनिक तरीका से गाय का काऊ डंग यूज़ करके, गाय का मल यूज़ करके हम लोग खेती तैयार करते हैं, और जिसमें कोई प्रकार का रासायनिक मिलावट नहीं होता है। तो यहाँ जो भी कुछ मिलेगा आपको एकदम ऑर्गेनिक चीज़ मिलेगा, यहाँ पर हर एक चीज़ ऑर्गेनिक होता है, और मतलब इसी कारण से यहाँ का लोग भी ज़्यादा मात्रा में बीमार नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं रोड में आ गया, और मेरा स्कूटी, मेरा धनु यहाँ पर अभी रेडी है राइड के लिए। अभी राइड तो आज नहीं करेंगे, अब आप लोग ये देखिए, ये बड़ा वाला जो पत्थर है, इसको हम लोग बड़ा ढूंगा बोला जाता है, ये पत्थर के नीचे आप लोग देख रहे हैं। जब हम बचपन में थे, बचपन हम लोग इधर ही बिता था, बचपन थे तो बचपन में हम यहाँ पर आपका ये जो एरिया है, ये एरिया नीचे मतलब कि जब बारिश होता था ना, तो ये पेड़ ये पत्थर के नीचे हम लोग आके मतलब कि इंजॉय करते थे, घूमते थे, और आप लोगों को हमें ये सब चीज़ दिखा दे रहा है यहाँ पर अभी। तो अभी
यही कुछ है अभी देखिए। और मेरा वीडियो के थ्रू आप लोग भी ये सब चीज़ जान रहे हैं, आप लोग भी ये सब चीज़ को आप लोगों को भी आइडिया मिल रहा है। और ये सबसे बड़ा चीज़ यही होता है लाइफ में, मतलब कि हर एक लोग एक आपस में जुड़ के रहेंगे, एक आपस में जुड़ के अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तो सबसे सबसे मतलब कि अच्छा होता है। मतलब कि कोई भी लोग, हम लोग कोई भी क्या नहीं, मतलब कि सुपीरियर नहीं है, सभी को समान लेके हमको आगे बढ़ना है, सभी लोग इक्वल है, सभी लोगों को इक्वल तरीक़े से हमको आगे बढ़ाना है। तो मेरे व्यू में यही सब चीज़ है कि लाइफ में कभी भी मतलब कि अपने आप को मैं इतना बड़ा हूँ, इतना बड़ा हूँ, मैं मेरे सामने और कोई भी कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। तो यही लाइफ का एक फंडा है, जो फंडा से यदि लाइफ को स्पेंड करेंगे तो लाइफ में और चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी देखिए थोड़ा थोड़ा बारिश भी होना शुरू हो गया है, फिर भी आप लोगों को दिखाएंगे आज यहाँ का जो भी व्यू है, क्योंकि आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा आज यहाँ पर लास्ट डे है। मन में तो लग चोट है मेरा मन, फिर भी आप लोगों को ये सब चीज़ दिखा रहा हूँ, और मेरे लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि मेरा ये सब वीडियो हम देख के मेरा मेरा जो आने वाला जो भी ड्यूटी है स्पेंड करेंगे, तो आप लोगों को हम दिखाएंगे और दिखाते चलेंगे। अभी ये हमारा घर से थोड़ा सा ऊपर हमारा ही गांव है, इसको डायरी गांव बोला जाता है, और यहाँ पर हम अभी है, आप लोगों को हम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए बारिश तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है यहाँ पर, मगर बारिश के चलते फिर भी दिक्कतें उतना नहीं है, मगर क्योंकि थोड़ा थोड़ा कम ही बारिश हो रहा है, तो अभी आप लोगों को हम दिखा पा रहे हैं सभी चीज़। ये मेरा जो घर है, मेरा हिंदी में बोला जाता है इसको, हम लोग बोलते हैं नेपाली में कोमा और हिंदी में दादी, मेरा दादी का घर है ये, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ से आप लोग का नीचे का व्यू दिखा दे, यहाँ यही रोड को फॉलो करके हमें अब ऊपर आए थे, और आप लोगों को अभी ये सब चीज़ दिखा दे रहा है। पर ये मेरा देवा का घर है, बड़े पापा का घर है, उसके बाद में यहाँ पर ये आप लोगों का दिख रहा है, ये मेरा दादी का घर है, और उसके बाद में अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप लोग को दिखाते जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, और अभी आप लोग हम ऊपर ले जाएंगे, और हम लोगों का एक बार आप लोगों फिर एक बार दिखाए थे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हमारा एक राय, हम लोग राय राय का एक मंदिर है, वहाँ पर भी आप लोगों को लेके जाएंगे। और यहाँ से आप लोगों का नीचे का जो व्यू आप लोग देख रहे हैं, ये ऊपर से आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा मामरिंग, इसको मामरिंग बोला जाता है, मिडल माम, हम लोग मिडल मामरिंग में। और देखिए थोड़ा बहुत तो उतना क्लियर तो नहीं आ रहा है, आप लोगों को धुंध दिखाई दे रहा है, मगर फिर भी आप लोगों को हम ये सब चीज़ आज दिखा पा रहे हैं। तो ये सब कुछ आप लोगों का बदौलत है, थैंक यू सो मच फिर से एक बार। और अभी हम जाएंगे ये ऊपर, और ऊपर जाके मांखिम में जाके मिलेंगे, और वहाँ से थोड़ा बहुत बात करेंगे ऊपर जाके। और फाइनली अभी हम अपना जात का राय का पवित्र स्थान मांखिम में आ चुके हैं, और आप लोगों को ये सब चीज़ दिखा पा रहा हूँ मैं, अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मगर उतना अच्छे से तो आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा धुंध है, मगर फिर भी आप लोग देख रहे हैं। ये जो ऊपर का जो आप लोगों का ये सब देख रहे हैं, ये आप लोगों को हमारा राय का राय भाषा में इसको वाबुक बोला जाता है, वाबुक, और आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को हम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये जो मंदिर है, ये हमारा राय का नवनिर्मित मंदिर है। अभी इसको और ज़्यादा मतलब बनाना और बनाना है, और सभी लोग ये बनाने के लिए लगे हुए हैं, बहुत सारा यहाँ का जो भी कमेटी है और यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये जो मांखिम का नाम है तोसो इलुमखुली मांखिम, और निर्माण समिति मामरिंग, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं शिवान्य साकेला, एक पूजा होता था हमारे वहाँ पूजा होता है, इसका नाम साकेला पूजा जब हुआ था यहाँ पर जब इस ये लगाया गया था सेवान्य। हम आपका हर एक ब्लॉग में मैं आप लोगों को सेवान्य बोलता हूँ, और सेवान्य मतलब नमस्ते, जो हम लोग ग्रीटिंग्स आप लोगों को जब शेयर करते हैं, सेवान्य मतलब नमस्ते बोला जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो फोटो है, इस फोटो में राय का सिली नृत्य, सिली डांस यहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर जब ये मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस समय में यहाँ पर आपका परेवा, मतलब कि
कबूतर छोड़ के ये पूजा का संपन्न हुआ था। और उसके बाद में अभी आप लोगों को अंदर ले जाएंगे। देखिए अंदर जाने से पहले आप लोग ये सब चीज़ दिखा दे रहे हैं, पर ये जो ये भी है, ये भी हमारा मतलब कि कुल पितरी का देवता का ही एक मतलब कि स्टैचू है। और यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहे हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो अदुआ आदि बोला जाता है, मतलब इसको हमारा राई भाषा में बेछुक बोला जाता है। और हमारा ये बेछुक ये अदुआ बहुत ही ज़्यादा मतलब पवित्र है, और इसको ही हम बहुत अपना पूजा में हम लोग यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। हालांकि अंदर आप लोग देख रहे हैं, अंदर तो अभी ताला लगाया गया है। और यहाँ पर आप लोगों ऊपर एक चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो है ये इसको बोला जाता है घुंघरिंग। और ये हम लोग जब हमारा घर में जब चिंता होता है, हमारा एक जैसे कि आप लोग पंडित जो होता है पूजा करता है, इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक बोला जाता है बिजुआ अथवा झाकरी बोला जाता है, और वो झाकरी ये घुंघरिंग यूज़ करता है, प्रयोग करता है। आप लोगों को यहाँ से तो हम दिखा नहीं पाएंगे, मगर यहाँ से आप लोग अंदर का व्यू दिखा देंगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो यही हमारा स्टैचू, ये जो हमारा चूड़ा ढूंगा बोला जाता है, और तीन चूड़ा ढूंगा है, और यही हमारा मतलब कि सबसे प्रमुख सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मतलब इसको हम लोग मानते हैं, हम लोग कुल मानते हैं, और यहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं। यहाँ ऊपर आप लोग देख रहे हैं, ये सभी चीज़ आप लोग को दिखाई दे रहा है। हालाँकि उतना क्लियरली हम लोग अंदर से आप लोगों को व्यू नहीं दिखा पाएंगे आज, क्योंकि बंद है। और आप लोगों को ये सब चीज़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये हमारा चूल्हा ढूंगा है, और हमारा ये ही बहुत ज़्यादा मात्रा में पवित्र कुल पितरी है। और हम लोग राय है, और राय का ये आप लोग देख रहे कुल पितरी। और यहाँ पर अभी तो ये नवनिर्मित है, अभी बनना और भी है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में काम अभी भी बाकी है। मगर फिर भी आप लोग ये सब चीज़ आप लोग को दिखा मैं पा रहा हूँ अपना वीडियो के तरफ से। और मेरा जो मेरा जात का जितना भी आप लोगों को जो भी चीज़ आप लोग को दिखा पा रहा हूँ, तो मैं फील अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। और आप लोग यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा वेदर क्लियर हो गया। और अभी वाबुक के पास जाके हम फोटो भी खिंचवाएंगे, साथ साथ आप लोगों से कुछ बात करेंगे, इस विषय में बात करेंगे। वाबुक बोला जाता है इसको, और घर में भी एक चीज़ होता है, इसको हम लोग चिंडो बोला जाता है। और इसमें हम लोग हम लोगों का जो भी पानी पीना हो, शायद मतलब तो हमारा यहाँ पर हमारा बहुत सारा ऐसा रिचुअल्स होता है जो हम लोग इसके थ्रू हम लोग करते हैं। देखिए आपका ये बहुत ज़्यादा मतलब में फ्रंट व्यू देखा जा रहा है, बहुत बड़ा वाबुक है ये। देखिए आज हम यहाँ पर आके अपना परंपरा को, अपना कल्चर को, अपना रीति को आप लोगों से शेयर कर पा रहा हूँ। और ये जो सब चीज़ मेरा वीडियो के थ्रू आप लोगों के पास पहुँच रहा है, इससे बड़ी बात लाइफ में और क्या होगा। तो अभी आप लोग देख रहे हैं, और मैं भी यहाँ पर अभी हूँ। और यहाँ पर मतलब कि कभी कभी जब प्रोग्राम होता है तो मैं अटेंड नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मेरा ड्यूटी होने के कारण से हमको जाना पड़ता है। मगर फिर भी जब भी टाइम मिलता है, जब भी मैं फ्री टाइम होता है, तो मैं यहाँ आके अपने आप को थोड़ा बहुत अपना परंपरा का सोचता हूँ, अपना पिता पूर्वा के विषय में सोचता हूँ। हमको प्राउड भी फील होता है कि हम राय है, हम किराती खम्बू है, जो मतलब कि हम बोला जाता है कि 9,10,000 किरात बोला जाता है कि हम लोगों का जो भी जाति का लोग है, बहुत ज़्यादा मतलब में प्रचलित है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पा रहा हूँ, यहाँ पर मामा और यहाँ देख रहे हैं आप लोग। अभी आप लोगों को बात कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि थोड़ा नीचे गाड़ी आया था, तो आप लोग वहाँ से हम बात किए थे। तो 9,00,000 बहुत ज़्यादा मतलब किरात होता है। तो यहाँ पर यही सब चीज़ है कि बहुत सारा ऐसा परंपरा, संस्कृति, सभ्यता अपना अपना होता है। आप लोगों के लिए भी जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, उन लोगों का भी अपना अपना परंपरा रिवाज होता है। और अपना अपने आप को मैं सबसे पहले तो भारतीय मतलब कि मैं सबसे पहले पहचान में आता है, मैं इंडियन हूँ।
मैं भारतीय हूँ, उसके बाद में जो भी कुछ होता है उसके बाद में आता है, मगर फिर भी उसके बाद में ही मेरा जो जाति परंपरा है उसको भी हम नहीं भूलेंगे। इंडिया पता है आप लोग, इंडिया पता है, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया में बहुत ज़्यादा जाति भाषा मतलब बोलने वाला लोग होता है, तो यही सब में हम लोग भी आते हैं। मगर एक चीज़ हमको भूलना नहीं है कि हम लोग सबसे पहले हम लोग इंडियन है, उसके बाद ही अदर चीज़ आता है। तो मेरा सभ्यता, मेरा संस्कृति और मेरा जो भी पिता पूर्वज है उसको हम भूलेंगे नहीं, और हम गर्व से बोलते हैं कि मैं किरात हूँ और मैं किराती खम्बू में बिलोंग करता हूँ। और आप लोग किस परंपरा से बिलोंग करते कमेंट के थ्रू आप लोग भी हमको दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। अभी हम जाएंगे नीचे की ओर, आप लोगों को थोड़ा बातचीत करते करते हम लोग नीचे भी जाएंगे। देखिए रास्ते में एक चीज़ मिला, ये आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों को पता ही है, और इसको बोला जाता है हमारा यहाँ का ऑर्गेनिक मूला, मूला होता है ये मूला, इसको हिंदी में मूली भी बोला जाता है। और ये अभी रेडी है बाज़ार ले जाने के लिए, आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी बिना पत्ता वाला, और ये जाएगा डायरेक्ट सिलीगुड़ी जाएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिक और बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी भी होता है, तो एक टेस्ट करके भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो अभी देखिए हम इसको टेस्ट भी करेंगे, टेस्ट भी अच्छा होता है, थोड़ा बहुत उसको तीता होता है मगर टेस्ट भी अच्छा, वही सब चीज़ ऑर्गेनिक होता है, तो इस ये खाने से हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है और हम लोग फिट भी हो जाएंगे। अभी के समय में हर एक जगह में ऑर्गेनिक चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है, इसीलिए इस चीज़ का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और इसका दाम भी सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा मतलब मिलता है। तो अभी हम नहीं सब कुछ दिखा पा रहे हैं आप लोगों को, तो अब हम जाएंगे नीचे की तरफ, अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। तो जैसे कि आज आप लोगों ने देख लिया, कुछ कुछ मेरा गांव का व्यू आप लोगों ने देख लिया, बहुत सारा चीज़ इस वीडियो में लेने के लिए हम चाह रहे थे, मगर अफसोस थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया, बारिश होने लगा, इसलिए उतना हम जितना हम सोचे थे उतना हम नहीं ले पाए, मगर 100 में कम से कम 80% तो हम वीडियो ले पाए। तो आज मेरा गांव का जो भी चीज़ था आप लोगों को हम बताए, आप लोगों से हम शेयर किए, आपका मेरा गांव का व्यू, साथ साथ में आज मेरा गांव का खेती पाती के विषय में, साथ साथ में आज मेरा गांव का एक पवित्र स्थान मांखिम में भी आप लोगों को लेके हम गए, और वहां का भी आप चीज़ आप लोगों को हम दिखा पाए। तो आशा करता हूं कि ये मेरा वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे और मुझे भरपूर प्यार देंगे, और मुझे और ये मेरा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, आप लोगों का सपोर्ट होगा तभी मैं आगे बढ़ूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को शेयर साथ साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कि आप लोगों को थ्रू बहुत सारा जगह में ये वीडियो पहुँचेगा, और बहुत सारा जगह में पहुँच के मेरा वीडियो के थ्रू बहुत सारा जानकारी और लोगों को भी प्राप्त होगा, जानकारी मिलेगा। तो आज आप लोगों से बातें किया, आप लोगों से मेरा मन का फीलिंग शेयर किए, और उसके बाद में अब रिमेनिंग जो भी मेरा व्लॉग आएगा तो वो मतलब कि मैं जब हम जाएंगे यहाँ से अपना ड्यूटी की तरफ वहाँ का व्लॉग भी दिखाएंगे, और उसके बाद में मेरा दूसरा ही मतलब कि वहाँ पर दूसरा ही फेज़ शुरू होगा, और दूसरा ही चीज़ का मतलब दूसरा ही टाइप का व्लॉग आप लोगों को मिलेगा।
तो संजोग राय ब्लॉग्स को इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिएगा। यदि आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो एक दिन में जो मैं सोचा हूँ, जो मुझे सोचा हूँ मैं वहाँ पहुँचना है मुझे, तो हम वहाँ पहुँच के ही रहेंगे। मगर आप लोगों का सपोर्ट के कारण से ही मैं ये सब कुछ होगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मुझे सपोर्ट कीजिएगा और सपोर्ट करके मुझे आगे बढ़ाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, रिमाइनिंग नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देने का प्रयास करते करते और वचन देते देते आज के ब्लॉग से मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। सो बाय बाय एवरीवन एंड गुड नाइट। और लास्ट में एक बार हम बोलना चाहते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। सो एवरीवन बाय बाय एंड गुड नाइट।